आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम भूगोल का थर्ड लेसन करेंगे, खनिज और शक्ति। ठीक है कि खनिज क्या है, कि भाई खनिज क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खनिज होते क्या हैं। खनिज होते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिनका रासायनिक संगठन होता है, वह एक खनिज होता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं मिलते, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, वे किसी भी विशेष क्षेत्र में सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं होते, जैसे अर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिक महासागर है। खनिज जो होते हैं विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, खनिज होते हैं जो हम भूमि से जो हम निकालते हैं, वो सभी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। जैसे खदान, जैसे कोयला है, कोयले को हम किस में से निकालते हैं, खदानों में से निकालते हैं। ठीक है, जो पहाड़ होता है उसके अंदर जो वो बन जाते हैं, सतह बन जाती है, वो गर्मी के कारण काला रूप बन जाते हैं, ऊपर पत्थर जो होता है पहाड़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोयला कह देते हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो जो इनमें जो भौतिक गुण और रंग घनत्व जो होता है, उनमें भी अलग अलग मायने रखते हैं। ठीक है, अब खनिजों के हम प्रकार पढ़ेंगे कि खनिजों के कितने प्रकार होते हैं। पृथ्वी पर जो 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसमें 3000 से अधिक खनिज होते हैं, जैसे धात्विक और अधात्विक। इनमें अब इन खनिजों को दो भागों में हमने डिवाइड किया है कि एक धात्विक होता है और एक अधात्विक होता है। अधात्विक क्या होता है कि धात्विक खनिजों में बहुत कच्चे रूप में प्राप्त होती है। धात्विक कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज जैसे लोह अथवा एलोसो होते हैं। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क होते हैं, मैग्नीज कार्बन डाइऑक्साइड लोहा होता है, एलो खनिज में लोहा नहीं होता। ठीक है, और अधात्मिक क्या होते हैं, अधात्विक होता है खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना है, पत्थर है, अवरक है, जिप्सम है, इन खनिजों के उदाहरण है। ईंधन जैसे खनिज है, ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, जैसे उसमें तो धात्विक में तो कोयला और ईंधन नहीं था, परंतु अधात्विक में क्या है, अधात्विक में होता है आपका कोयला और पेट्रोलियम। समझ में आया, तो इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं खनिज, धात्विक और अधात्विक। उसके बाद पढ़ते हैं कि खनन क्या होता है। पृथ्वी की सतह के अंदर जो सैलों से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हमारी जो दबी हुई सैलें होती हैं ना, उनमें से जो खनिजों को बाहर निकाला जाता है, उस जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ड्यूटी जो होती है, उसको क्या कहते हैं, हम खनन कहते हैं। ठीक है, और जो खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं और जिनको स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वह विरवित खनन होते हैं। ठीक है, और जो अधिक गहराई में होते हैं और जिन्हें पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, उनको कूप की खनन कहते हैं। समझ में आ गया, किसे किसे कहते हैं, खनन किसे कहते हैं, जो सैलों से खनिज को बाहर निकालते हैं वो खनन होते हैं, और जो खनिज जो कम गहराई में होते हैं तो विरवित खनन कहते हैं, और जो खनिज कम गहराई में होते हैं उनको कूप की खनन कहते हैं। समझ में आया ये। उसके बाद क्या लिखेंगे, खनिजों का जो वितरण होता है वो किस तरह से किया गया है, यानी कि खनिजों को कितने भागों में किस तरह से कहाँ कहाँ बांटा गया है। ठीक है, तो खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित शैलों में, जबकि अन्य अपसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित शैल समूह जैसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क में तांबा और निकले, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकरेल और पेटेलियन आग्नेय शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। समझ में आया, फ्रांस के काक्षक प्रदेश के चूना पत्थर और जर्जिया और यूक्रेन के मैग्नी निष्पेश और अल्जीरिया फॉस्फेट के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एशिया में। चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क होते हैं। यह महाद्वीप का जो आधे टिन उत्पादन करता है, कौन करता है, एशिया। एशिया जो होता है किसको उत्पादन करता है, टिन का, और जिसमें चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो टिन उत्पादकों से हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता के तांबे के निषेध है। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोप में। यूरोप जो है, यूरोप में लोह अयस्क उत्पादक है, यानी कि लोहे का ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसमें जस्ता, मैग्नीज और यूरोप खनिजों के यूरोपीय भाग रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में तीन क्षेत्रों में व्यवस्थित होते हैं, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडिया सील और में ये उसके बारे में बताया है किस तरह से खनिज जो है आपके किन किन भागों में कहाँ कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं।
जैसे दक्षिण अमरीका है। तो ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन चिली और पेरू तावी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के पास चांदी, जस्ता, कोमिने, मैगनीज, बॉक्साइट, ये सारे हीरा, और ये सारे किसमें पाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे ही अलग अलग देखो, अफ्रीका में दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, ये अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके ये अयस्क जो हैं, खनिज जो हैं, अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि भारत में इसका वितरण किस तरह से होता है, कि भारत में ये कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहले है लोहा, भारत में उच्च कोटि के लोहा अयस्क होते हैं। ये खनिज जो होता है, जो लोहा होता है सबसे ज़्यादा, ये आपके मैप में भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना कि जो लोहा होता है सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, ये आपके मैप में भी पूछा जाएगा कि भारत में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा में। उसके बाद आता है बॉक्साइट, बॉक्साइट इसका उत्पादन होता है भाई झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जैसे लोहा अयस्क मिलते हैं उसी तरह बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद आता है अभ्रक, अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। अभ्रक जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। याद रखना कि भारत में सबसे बड़ा ज़्यादा क्या होता है, उभ्रक निर्यात क्या होता है, अभ्रक। उसके बाद तांबा है कि राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में, कोलार एक स्थान है, वहाँ पर सोने की खान है, तो वहाँ पर सोने की गहरी खानों में से जो अयस्क होते हैं वो निकाले जाते हैं, सोना निकाला जाता है। उसके बाद आता है चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर जो है उसका उत्पादन करने वाला झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। उसके बाद है नमक, ये समुद्री नमक, आपको पता है कि नमक जो होता है समुद्री झीलों और सैलों से प्राप्त किया जाता है। जी, आप ये पिक्चर देखिए, इसमें राजस्थान की एक सांवर झील है जो नमकीन है। आपसे पूछा जाएगा मैप में सांवर झील कहाँ होती है, सांवर झील होती है आपकी राजस्थान में, जिसका पानी नमकीन होता है क्योंकि इसमें से नमक निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाली पिक्चर देखिए, उसमें चूना का आखन रहता है कि चूना का जो पत्थर है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके खनिज पदार्थ हैं। तो मैंने आपको बताया कि भारत में क्या क्या चीज़ कौन सी जगह पर होती है, ये आपके मैप में भी पूछी जाती है और ये वन वन नंबर्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।